वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंक्यूको कंपनी की रोटेटरी हैमर ड्रिल लेके आया हूँ, जिसका दोस्तों मॉडल नंबर है RH10508 है। और दोस्तों काफ़ी कारपेंटर भाइयों के कमेंट आते थे कि इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। दोस्तों ये मैंने कहाँ से परचेज किया, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बाहर से कोई बॉक्स इस तरीके का आता है इनका, और दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, काफी मजबूत है। इसके अंदर एक तो टूल हमारा सेफ रहता है, और कभी भी हमने गाड़ी में पीछे रखा होता है तो टूल की आवाज नहीं आती, यानी कि आवाज बिल्कुल नहीं आती, साउंड नहीं आती इसके अंदर। दोस्तों शुरू शुरू में हमें इसके साथ गाइड बुक मिलती है, यानी कि इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। बाकी तो मैं सब कुछ वीडियो में बता ही दूंगा। दोस्तों इसके साथ हमें ऑयल ग्रीसिंग मिलती है 40 ग्राम की मिलती है, और हमें दो इसमें कार्बन ब्रश मिलते हैं, और जो हमें ये मिलता है डेप्थ गेज के लिए मिलता है। और दोस्तों तीन हमें इसके साथ कॉन्क्रीट बिट मिलते हैं, 8 mm, 10 mm और 12 mm। और दोस्तों एक पॉइंट चीसल मिलता है हमें, और ये फ्लैट चीसल मिलता है इसके साथ, और एक हमें इसके साथ हैंडल मिलता है, और ग्रीसिंग के लिए ये हमें एक चाबी मिलती है, जिसके साथ हम ऊपर का इसका उसका हेड खोलेंगे तो वहाँ पर। और दोस्तों इसकी हम वायर की बात करें तो वायर इसके साथ हमें 2 मीटर के करीब हमें वायर मिलती है। वायर काफ़ी हैवी ड्यूटी है, और ये कॉपर वायर है इसके साथ। दोस्तों थोड़ी सी मशीन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो सी इसकी ये बॉडी है, काफ़ी अच्छी मजबूत बॉडी से बना हुआ है, और ये इसका प्लास्टिक है, जितना भी आपको पीला नज़र आ रहा है सारा इन्होंने प्लास्टिक लगा रखा है। और दोस्तों पीछे इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रिप दे रखी है, यानी कि अगर लॉन्ग टाइम तक भी हम काम करते हैं हमारे हाथ से ड्रिल कभी भी स्लिप नहीं होगी। और दोस्तों ये जो सा ऊपर का इन्होंने सारा मेटल का दे रखा है, और देखो इन्होंने ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, इंक्यूको इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग दे रखी है। और दोस्तों इसमें दो हमारे ब्रश लगते हैं, कार्बन लगते हैं लेफ्ट और राइट में, ये देखिए ये दोनों तरफ लेफ्ट राइट में लगते हैं। और हाँ ये इसके साथ ब्रश हमें दो एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, तो हमारे खाते। और दोस्तों ऊपर की तरफ ये हमारी ग्रीस डलती है इसके अंदर, जैसे इन्होंने दे रखी है ये ऑयल ग्रीसिंग दे रखी है। इसको क्या हम कभी भी जब हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो ऊपर से ओपन कर लेना, कई भाइयों को पता नहीं होगा, इसके अंदर आपने ऑयल नहीं करना, सिर्फ ग्रीसिंग करनी है आपने। और ग्रीसिंग भी आपने जैसे आप चलाते हो, महीना भर चलाते हो तो 15 दिन में एक बार आपने ग्रीसिंग कर लेनी है। ये देखिए क्योंकि ये मैं इसको इस्तेमाल मुझे हो गया 15-20 दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए, आपने इसको इस तरीके से ग्रीसिंग करनी है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आपने इस तरीके से इसके अंदर ग्रीसिंग कर देनी है, और इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, आपने ग्रीसिंग ही डालनी है। और फिर ये हमें अच्छी तरीके से ऊपर से लॉक कर देना है इसको, ये हमारा ग्रीसिंग का हो गया। और दोस्तों इसके बाद क्या करना है, ये हमने अपना हैंडल जरूर लगाना है। कई मेरे भाई क्या करते हैं, हैंडल वगैरह लगाते नहीं है, इसको जैसे ही कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान पड़ता है हाथ में, काफ़ी यानी कि हड्डी उड्डी हाथ की ये तोड़ देता, डैमेज कर देता हमारे हाथ को। तो इसको हमने इस तरीके से कर लेना, अगर लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ कर लेना, अगर राइट की तरफ है हाथ आपका तो आपने इसको घुमा के इधर की तरफ कर लेना है। और दोस्तों इसके हम वाट के ऊपर बात करते हैं, वाट इसके 1050 वाट हमें मिलते हैं, और इसकी आरपीएम पर हम बात करते हैं, 900 इसकी आरपीएम मिलती है। और दोस्तों इसके 4000 पर मिनट हमें इंपैक्ट रेट मिलता है, यानी कि जब हम कोई भी चीसल वगैरह पर जब हम चोट वगैरह मारते हैं, यानी कि 1 मिनट में वो 4000 बार इस पर चोट मारती है। तो जिनसे आपको इनके गाइड बुक में चारों फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ये चारों फंक्शन मैं एक एक करके आपको करके दिखाऊँ। दोस्तों मशीन के अंदर मैं आपको बिट इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, चेक को नीचे की तरफ ऐसे खींच लेना, और इस तरीके से इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है, लॉक हो गया ये हमारा। अगर हमने निकालना, फिर हमने नीचे की तरफ इसको खींचना है, और ये हमारा फिर निकल गया, अब हम ये हो गया हमारे। और दोस्तों इस मशीन के अंदर 4 मोड हैं। पहला मोड इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर कोई भी चीज़ हमारी वर्क फंक्शन नहीं करेगी, तो मैंने इसको इधर की कर दिया, तो ये वाला फंक्शन इधर है हमारा राइट हैंड की तरफ, तो देख रहे ये खाली चलेगी, वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम वर्किंग करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया इधर, ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया, तो इसमें क्या है, मेरे ये ड्रिल ही चलेगा, सिर्फ हैमरिंग नहीं चलेगा, ड्रिलिंग ड्रिल चलेगा। अगर मुझे हैमरिंग भी करनी है तो अपना ड्रिल भी चलाना, तो मैंने क्या करना है, ये ड्रिल वाले पर इसको क्या इधर की तरफ करूँगा, लेफ्ट की तरफ, तो इसमें क्या हैमरिंग भी होगी और हमारा ड्रिल भी चलेगा। ये देखो
अब जैसे दीवार में कोई हमने झरी वगैरह करनी है तो उसके लिए क्या होगा, ये हमें ड्रिल नहीं यानी कि हमें चलना नहीं चाहिए, चीसल हमारा चलना नहीं चाहिए। ये देखिए ये मैंने लगाया और ये मैंने इसमें ये कर दिया, ठीक है। अब देखो इस मोड पर तो चलेगा क्योंकि ये चलना नहीं, हमने क्या करना है चीसलिंग करनी है, चिपिंग करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये मैंने इधर की तरफ कर दिया, ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया, ये खाली आपकी चिपिंग चिपिंग करेगा ऐसे। और ये चारों फंक्शन में आपको वर्क करके दिखाता हूँ। और दोस्तों इसके साथ मेटल, अल्मूनियम में, लकड़ में, कंक्रीट में, जहाँ मर्जी आप इससे साथ काम कर सकते। दोस्तों मैं आपको ड्रिल और इसका हैमरिंग का मोड दिखाऊंगा। ये देखिए ये मैंने इधर कर लिया और इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरीके से होगा। मैं आपको कंक्रीट में करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर कई कारपेंटर भाई लगाते नहीं। कई बार क्या होता है, कभी अगर लेंटर में होल वगैरह डालते हैं तो सरिया आ जाता है, तो ये चीज़ हमारी घूम जाती है, तो ना ये चीज़ हमारी क्रैक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपने सेफ्टी का पहले ध्यान रखना, लापरवाही नहीं करनी और बिल्कुल टाइट हाथों से पकड़ के रखना इसको। दोस्तों मैंने इसके आगे पॉइंट चीसल डाल दिया, जैसे कंक्रीट वगैरह हमने तोड़नी होती, कोई ब्रिक्स वगैरह तोड़नी होती है तो क्या करेंगे, हम ड्रिल वाला फंक्शन बंद कर देंगे। ये यहाँ पर ड्रिल और हैमरिंग थी तो हमने कहा ना हैमरिंग पर ही करना है, ये ड्रिल मैंने बंद कर दी है। अब ये देखिए ड्रिल बंद हो गया। अब जैसे मैंने कॉन्क्रीट वगैरह तोड़नी है, जैसे आप नज़र आ रही होगा, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर मैंने फ्लैट चीसल डाल दिया है। जितने भी मेरे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन भाई वगैरह जैसे झरी वगैरह मारते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वुड के अंदर इसके अंदर होल डाल के दिखाऊंगा। इसके लिए कि हमें चकनेट लगाना पड़ेगा, ये इसके साथ नहीं आता, ये मैंने अलग से मैंने ले रखा है। तो दोस्तों ये दोनों सारे ही काम मल्टीपर्पज ड्रिल मशीन है। दोस्तों अगर इसकी वेट की बात करेंगे, काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये, यानी कि 7 kg के करीब इसका वेट है। अब देखो इस पर हैमरिंग नहीं चल रही, सिर्फ ड्रिल का ही काम करेगा। ये देखिए अब मैं आपको मेटल में भी एक बार सुराख करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम मेटल के अंदर होल डालेंगे। दोस्तों इस मशीन के मैंने आपको चारों फंक्शन बता दिए हैं, क्या कैसे किस तरीके से ये अप्लाई होती है ये मशीन। और दोस्तों ये मैंने कहाँ से परचेज की, ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी, एक महीना हो गया क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने फिर इसकी बाद में वीडियो बनाई है। और दोस्तों अगर किसी भाई को ये परचेज करनी है, आज के टाइम में जो सा इसका रेट है 5,200 रुपये इसका रेट है अमेजोन का, अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाएगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।